आप ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको ये ब्रेड देख के दिल खुश हो जाएगा। इतना कम खर्चा में, कम बजट में, किस तरह में अपना 10 रुपया वाला, 20 रुपया वाला ब्रेड क्वालिटी का साथ में निकालता हूँ, आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा और आप भी इतना अच्छा ब्रेड निकाल सकते हो। इस ब्रेड में हमारा खर्चा कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो वीडियो करता हूँ स्टार्ट, आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख लो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में आपको ब्रेड का कॉस्टिंग निकाल के दिया था, एक ब्रेड में कितना खर्चा होता है, कितना ब्रेड में कॉस्टिंग होता है वो मैं आपको दिखाया था। वही कॉस्टिंग में आज मैं आपको वीडियो बना के रियल लाइफ में दिखाऊंगा, जो जो हमने आपको कॉस्टिंग में लिखा था वही मैं आज रेसिपी यहाँ पे यूज करूँगा। तो अभी हमने नमक दे रहा है 700 ग्राम, 50 किलो मिक्सचर होगा, 50 किलो मिक्सचर में 700 ग्राम नमक, जो आपको हिसाब मैंने दिया था वही हिसाब में सेम जो रेसिपी मैंने कॉस्टिंग में जोड़ा था वही रेसिपी सेम होगा। और कितना अच्छा ब्रेड मैंने बनाया, कितना अच्छा ब्रेड बन के आया आप एक बार देख लो। ये वेनिला पाउडर है 200 ग्राम, मैं आपको एक एक करके सब में बताऊंगा। और आप पहले वीडियो नहीं देखा था आप एक बार जाके देख लेना, और आपने देखा है फिर भी आप इस वीडियो में मिला लेना। ब्रेड एम्पुरबार 70 ग्राम, ठीक है मोबाइल से ले लेने के, तो आप जो 175 ग्राम देखा ना वो मतलब डिब्बा लेके, डिब्बा का भी मतलब वजन है। अब हम देंगे कैल्शियम डिब्बा लेके 300 ग्राम, मतलब 250 ग्राम हो रहा है हमारा। यहाँ पे हमने दिया है नमक 700 ग्राम, 70 ग्राम ब्रेड एम्पुरबार, 200 ग्राम वेनिला, 250 ग्राम कैल्शियम, अभी हम इसमें दे रहा है 250 ग्राम मिल्क पाउडर। वीडियो शेष है ना मेरा, आपका सामने है सब कुछ, ठीक है। अभी हम ये ले जाके मिक्सचर में डाल देंगे, उसके बाद हम देंगे इसमें 7 किलो चीनी। देखो 7 किलो चीनी है, थोड़ा सा कम है, तो 7 किलो चीनी हम इसमें डाल दिया है। अभी हम इसमें 50 किलो मैदा डालेंगे और उसके बाद जो हम डालेंगे वो आपको दिखाएंगे आगे। हमने खमीर भरने का पहले अच्छा करके इसमें डाइस में तेल लगा लेंगे। हम डाइस में तेल लगा के साथ साथ ही मतलब खमीर भरता है, ऐसा नहीं है जो एक दिन पहले हम तेल लगा के रख देता है फिर नेक्स्ट दिन हम भरता है। ये हमारा है बटर पेस्ट, ये हमारा पर्सनल है, ये बाहर से हमारा बटर पेस्ट आता है। तो हम बटर पेस्ट 100 ग्राम डालेंगे, मतलब ये
डिब्बा लेके 190 ग्राम हो रहा, तो इसमें जा रहा है 100 ग्राम, मतलब 50 किलो में 100 ग्राम हम डालेंगे तो इनका जो मतलब खुशबू है, इनका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो 100 ग्राम बाटर का पैसा भी आपको उस दिन हमने कॉस्टिंग में नहीं जुड़ा था, लेकिन आज जो मैंने कॉस्टिंग बना रहा हूँ इसमें हमने जोड़ा है, तो आपको मैं शो कर दूँगा ऊपर में, आप देख लेना हमारा कितना खर्चा हुआ है, हमारा पार पैकेट पार एक पैकेट ब्रेड हमारा कितना पैसा में आ रहा है। तो अभी मिक्सचर हमारा देखिए खमीर बहुत अच्छा बन गया है, अभी खमीर तैयार हो चुका है, अभी हम इनको उठाएंगे, उठाने के बाद इनको मतलब पैचा स्टार्ट करेंगे। और इसमें हमारा सिर्फ उठाने के लिए हमारा जितना भी तेल ज़रूरत है देखिए हम उतना ही तेल डाल रहा है, बाकी आदर्श हम बीज में कोई तेल यूज नहीं करता हूँ। हम अपना डाइस का हिसाब से 260 से 265 ग्राम हम काट रहा है, 265 ग्राम का बीज में हम काटता हूँ, तो ये हमारा पैकेट का वजन हो जाएगा 110 ग्राम से लेके 115 ग्राम तक, वो भी मैं आपको मैं दिखाऊंगा हमारा पैकेट का वजन कितना हो रहा है माल निकालने के बाद, और कितना अच्छा मतलब माल बन रहा है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो को देख लो, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारा मतलब पैचा स्टार्ट करने के बाद आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा हमारा पैकेट कितना हो रहा है, हमारा खर्चा कितना हो रहा है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। अभी ठंडा का दिन है इसलिए हम साथ साथ टोली में नहीं भरता है, थोड़ी देर हम इसको कंबल से ढक के रखेंगे, एक घंटा में नीचे इस तरह कंबल में ढक के रखेंगे तो ये जल्दी तैयार हो जाएगा, और टोली में भर के हम ढकेंगे तो इतना जल्दी वो तैयार नहीं होगा। तो आगे का प्रोसेस यही है, ये माल उठेगा उसके बाद गाड़ी में लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद ये जाएगा भट्टी में। ₹240 टेम्परेचर, 24 मिनट टाइम में हमारा ब्रेड निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्रेड नहीं है, कम वजन का ब्रेड है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टोस्ट में हमारा जितना टाइम लगता है उतना टाइम ही ये लगेगा, ऐसा नहीं है जो हमारा टोस्ट में जो मतलब टाइम कम लगेगा ब्रेड में ज़्यादा लगेगा, ऐसा नहीं है, ये भी मतलब कम वजन का ब्रेड है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
लाजवाब ब्रेड है भाई, इतना कम खर्चा में इतना अच्छा ब्रेड। ब्रेड का देखिए जैसा मतलब ऊपर से नीचे जैसा बराबर है, कलर भी इतना अच्छा आया है आपको मैं क्या बताऊं। जैसा मतलब कलर है ऐसा मतलब साइज भी है, टेस्ट भी आपको इतना बराबर है आपको देखने के लिए मिलेगा। टेस्ट भी कोई मतलब ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि वो जो बटर पेस्ट हमने दिया है ना वही बटर पेस्ट में ये टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। तो वीडियो और भी आप आगे तक देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा माल देख के। तो और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भाटी से निकालने के साथ साथ ही आपको मतलब गाड़ी जल्द से जल्दी मतलब खाली करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करता है, भाटी से निकालने के बाद पूरा उनको बाहर से ठंडा करता है, उससे बात करता है खाली, तो उसमें क्या होता है ऊपर से जाता है बैठ जाता है। तो आप ये गर्म गर्म जितना जल्दी मतलब खाली करोगे आपको ब्रेड एक भी नहीं बैठेगा, ब्रेड मतलब पूरा चंगा रहेगा, पूरा अच्छा रहेगा, पूरा कलर भी बहुत अच्छा रहेगा। और आप क्या करोगे पूरा गाड़ी के अंदर इनको ठंडा कर दोगे तो कलर भी उतना अच्छा नहीं रहेगा और क्या होगा ऊपर से ये बैठ जाएगा। हमने 100 ग्राम पीपी लिया है, 100 ग्राम पीपी लेने के बाद हम इनको गिनती करेंगे ये हमारा 100 ग्राम में कितना पीस हो रहा है। ठीक है, 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो ये हमारा हुआ है 39, तो मतलब 39 करके है 220 रुपया मान लो है किलो। तो 100 ग्राम का दाम होता है 22 रुपया, और 22 रुपया में आपको 39 पीस आ रहा है, तो मतलब वो 60 पैसा का आसपास आता है, थोड़ा बहुत कम आता है मतलब 58 पैसा करके हमने 60 पैसे पकड़ा है। और हमने पहले वीडियो में जो कॉस्टिंग किया था उसमें हमने दिखाया था 70 पैसा, वो मेरा एक मतलब पहले का जो मतलब पीपी था वो हिसाब से मैंने बताया था, क्योंकि हर पीपी थोड़ा पतला थोड़ा मोटा होता है, आपका पीपी थोड़ा सा मतलब मोटा होगा तो आपको 70 पैसा तक आएगा। तो अभी ये जो हमारा जो मतलब पीपी है ये थोड़ा पतला में है, तो इसलिए ये 60 पैसा में हमारा खर्चा हो रहा है। तो अभी हमारा ब्रेड काटिंग हो रहा, तो आपको मैं दिखाता हूँ हमारा एक पैकेट ब्रेड कितना वजन होता है। तो आप मेरा ब्रेड का वजन भी देख लिया, 110 ग्राम से लेकर 111 ग्राम 112 ग्राम ऐसा हो रहा है। तो इतना कम वजन में कितना अच्छा नेट आया और कितना अच्छा ब्रेड आया ये भी आप देख लो, ब्रेड बिल्कुल स्क्वायर आया है,
ना कोई मतलब छोटा ना कोई बड़ा, बिल्कुल बराबर ब्रेड आया है। आप इसी रेसिपी में इसी तरह आप ब्रेड बनाओगे तो आपको भी ब्रेड इसी तरह आएगा और आप भी दो पैसा कमा पाओगे। तो दो पैसा कमाने के लिए आपको ब्रेड का क्वालिटी अच्छा करना पड़ेगा। ब्रेड का क्वालिटी अच्छा करने के लिए आपको मिक्सचर में ध्यान देना पड़ेगा। आप जितना अच्छा मिक्सचर बनाओगे उतना अच्छा आपको ब्रेड का क्वालिटी निकाल के आएगा। तो आज के वीडियो में यहाँ से करता हूँ ख़त्म। आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैंने दिखाया है। आपको वीडियो अच्छा लगे थोड़ा सा तो वीडियो लाइक कर देना, और आप मेरा चैनल में नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फिर आपका साथ मुलाकात होगा मेरा दूसरा वीडियो में। तब तक आप अच्छे रहो, खुशी रहो। खुदा हाफिज़।